बिल्कुल संभव है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ सकती है, और टेक्नीशियन की वैकेंसी खाली होने का एक सबूत मैं आपको और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो लेटर आप देख रहे होंगे, ये भी हमारा मुंबई का ही है, और ये बड़नेरा स्टेशन वर्कशॉप का है, जिसमें देखिए कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी पोस्ट खाली हैं। हालांकि ये जो पोस्ट फिल करने के लिए बात कही गई, वो हमारा डिपार्टमेंटल इनवाइट किए गए हैं आपसे एप्लीकेशन। सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे देख लें, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग आप फ्रेश ऑप्शन फॉर फिलिंग आप वैकेंट पोस्ट ऑन रिपेयर वर्कशॉप सेंट्रल रेलवे बड़नेरा। देखिए यहाँ पर वैकेंसी खाली है और ये कहीं से भी लोग जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मांगे गए हैं। अगर जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाने के लिए, तो मैं यहाँ के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकता हूँ। ठीक है, इससे हमें क्या मतलब है, जो हमारे नए कैंडिडेट हैं इन्हें क्या मतलब है। देखिए टेक्नीशियन फर्स्ट की यहाँ पे कितनी वैकेंसी, 327। अब मान लो को यहाँ से यहाँ पर कोई जाएगा, वैकेंसी इतनी खाली है, तो कहीं से जाएगा। मान लो यहाँ से मैं गया, तो मेरी पोस्ट खाली होगी नहीं होगी, हो जाएगी बिल्कुल, यहाँ पर कोई दूसरा थोड़ी ना जाएगा। तो 327 पोस्ट ऐसे आएंगी इधर उधर से, तो 327 पोस्ट सिर्फ टेक्नीशियन फर्स्ट की खाली हो जाएंगी। टेक्नीशियन टू की कितनी खाली हो जाएंगी, 21। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे आज हमारा रिपब्लिक डे को। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, 75th रिपब्लिक डे, तो सभी लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने आज जो है कुछ अनाउंसमेंट किए हैं 26 जनवरी पर आपके लिए। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्या क्या आपके लिए हमने इस शुभ अवसर पर अनाउंसमेंट किए हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी एलपी की जो वैकेंसी है उसको बढ़ाने को लेकर के एक अपडेट आया हुआ है, उसमें हम टेक्नीशियन की भी हमारी वैकेंसी बढ़ सकती है, तो उसको बात करेंगे। तो क्या है ये नोटिस, आइए जानते हैं। देखिए, हमने उससे पहले इसका पीडीएफ भी दिखाया हुआ है, वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वो हमने जल्दी में बना दिया था जिससे कि आपको वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिल पाए, आप परेशान ना हो पाए। हम आज अब उसका जो है बिल्कुल उसमें क्या क्या कहा गया है सब चीज़ आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए, जो जो नोटिस हमारा आया है वो हमारा मुंबई बोर्ड की ओर से आया है। वहाँ पर जो हमारा ये कहा गया उस लेटर में कि जो हमारे मुंबई के अंतर्गत आरआरबी मुंबई के अंतर्गत जितने हमारे कोचिंग आते हैं, तो उन नीचे से मुंबई जो मैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि आप लोग जो है आप लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, टीचर्स के बीच में जो हमने वैकेंसी निकाली 5696, उसको लेकर के कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ गलत फहमियाँ हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम आपको जो है एक मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। और ये मीटिंग हमारी 29 फरवरी को होने वाली है। 29 फरवरी को 1 बजे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो हमारे टीचर हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो एक मोबाइल नंबर हमको उनको दिया गया है, मतलब उस लेटर में दिया गया है, तो उस पर क्या करना है, हमारे जो भी टीचर हैं जो मुंबई के आरआरबी मुंबई के अंतर्गत आते हैं, तो वो लोग उस पर मैसेज करेंगे, तो उनकी जो है एक ऑनलाइन मीटिंग होगी चेयरमैन के साथ 29 तारीख को। तो ये हमारा नोटिस आया है, इससे ये पता चलता है कि रेलवे जो है हम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता है। रेलवे चाहता है कि हम लोगों फीडबैक लाए, हम लोगों का फीडबैक लिया जाए, और जितना हमारे कैंडिडेट हैं उनके साथ कार्य करना है कि हम लोगों के साथ। तो पूरी उम्मीद है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो टेक्नीशियन की भी वैकेंसी की बात रखेंगे। और सभी से विनती करता हूँ, हमारे जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो मीटिंग में शामिल होंगे, वो हमारे स्टूडेंट के लिए जो ITI किए हैं, तो टेक्नीशियन की वैकेंसी की मांग ज़रूर रखें। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ज़रूर वो रखेंगे टेक्नीशियन की वैकेंसी की मांग। रेलवे भी सुनेगी, क्योंकि रेलवे को भी पता है कि जो हमारे ITI किए हुए बच्चे हैं तो उनके लिए हमें वैकेंसी कोई ना कोई तो देनी है। जो LP की वैकेंसी हालांकि आई हुई है उसमें ITI वालों के लिए है, वो तो ITI वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए भी है, लेकिन ITI की कुछ ऐसी ट्रेड हैं
जिसमें कुछ बच्चे हमारे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एलपी में, जैसे हमारा वेल्डर है या वायरमैन है। दूसरा ये भी है कि वैकेंसी हमारी बहुत कम है, तो वैकेंसी तो पूरे चांस है कि वैकेंसी बढ़ेगी। दूसरा हम टेक्नीशियन की भी बात कह रहे हैं, तो वो टेक्नीशियन या ग्रुप डी, इनमें से हमें कोई एक तो मिल सकती है कि अगर रेलवे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैकेंसी को बढ़ाने में कोई दिक्कत है, तो टेक्नीशियन या ग्रुप डी में से हमको एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वैकेंसी हमारी टेक्नीशियन की भी आ सकती है और ग्रुप डी की भी आ सकती है, तो आप बिल्कुल उदास ना हो, तैयारी करते रहें। ये हमारा देखिए टेक्नीशियन की वैकेंसी, मैं आपसे बार बार वीडियो में कह रहा हूँ कि आ सकती है, तो क्योंकि मैं खुद ही रेलवे के अंदर से हूँ, रेलवे में से हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी रोज़ वैकेंसी खाली होती है, कितने कैंडिडेट कहाँ से कहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि कभी हमारा कोई एम्प्लॉई है जो है उसका प्रमोशन, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो कोई ग्रुप डी से ग्रुप सी में आ जाता है, तो ग्रुप डी की खाली हो जाती है, इंटरनल हमारा वैकेंसी भरती रहती है, तो कहीं ना कहीं, अब भाई मान लो कि प्रमोशन से ग्रुप डी का कैंडिडेट आ गया, तो ग्रुप डी में तो खाली हो गई। और टेक्नीशियन की जहाँ तक सवाल है, टेक्नीशियन की वैकेंसी भले ही हमारी वेटिंग लिस्ट वालों से भर रही है, लेकिन फिर भी इतनी वैकेंसी खाली बनी रहती है कि रेलवे अगर चाहेगी तो बिल्कुल टेक्नीशियन की वैकेंसी दे सकती है, क्योंकि इतनी तो कमी बनी रहती है। मैं रेलवे के अंदर हूँ, मुझे सब इतना तो पता ही है सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर हमारे स्टूडेंट की इतनी मांग रहती है, तो ये बिल्कुल संभव है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ सकती है। और टेक्नीशियन की वैकेंसी खाली होने का एक सबूत मैं आपको और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो लेटर आप देख रहे होंगे, ये भी हमारा मुंबई का ही है, और ये बड़नेरा स्टेशन वर्कशॉप का है, जिसमें देखिए कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी पोस्ट खाली हैं। हालांकि ये जो पोस्ट फिल करने के लिए बात कही गई, वो हमारा डिपार्टमेंटल इनवाइट किए गए हैं आपसे एप्लीकेशन, तो जो हमारे कैंडिडेट बर्नेला वर्कशॉप के अंतर्गत काम करते हैं, तो वहाँ पर अगर पोस्टिंग चाहते हैं, तो इंटरनल एक हमारा जो है ये वैकेंसी को फिल करने का लेटर है। सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे देख लें, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग आप फ्रेश ऑप्शन फॉर फिलिंग आप वैकेंट पोस्ट ऑन रिपेयर वर्कशॉप सेंट्रल रेलवे बर्नेला। देखिए यहाँ पर वैकेंसी खाली है और ये कहीं से भी लोग जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मांगे गए हैं। अगर जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे जाने के लिए, तो मैं यहाँ के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकता हूँ, ठीक है। इससे हमें क्या मतलब है, जो हमारे नए कैंडिडेट हैं इन्हें क्या मतलब है, देखिए टेक्नीशियन फर्स्ट की यहाँ पर कितनी वैकेंसी 327। अब मान लो को यहाँ से यहाँ पर कोई जाएगा, वैकेंसी इतनी खाली है, तो कहीं से जाएगा, मान लो यहाँ से मैं गया, तो मेरी पोस्ट खाली होगी नहीं होगी, हो जाएगी बिल्कुल, यहाँ पर कोई दूसरा थोड़ी ना जाएगा। तो 327 पोस्ट ऐसे आएंगी इधर उधर से, तो 327 पोस्ट सिर्फ टेक्नीशियन फर्स्ट की खाली हो जाएंगी, टेक्नीशियन टू की कितनी खाली हो जाएंगी 21, और टेक्नीशियन थर्ड की कितनी 43 खाली हो जाएंगी, और हेल्पर की कितनी खाली हो जाएंगी 125 खाली हो जाएंगी, जेई की हो जाएंगी आपकी 25, और एसएससी की खाली हो जाएंगी 6, है कि नहीं भाई। ये कैंडिडेट कहीं और से आएंगे, तो जहाँ से ये लोग आएंगे वहाँ की जो वैकेंसी है वो सीट खाली हो जाएगी, वैकेंसी वहाँ पे एक बन जाएगी। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे आई होप। तो अकेले हमारी टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी 400 के आसपास बन रही है, ठीक है। और हमारी मिनिस्ट्रियल में देख लीजिएगा, ओएस ओएच सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क पीएन, तो कुल मिला के एक ही जगह में वैकेंसी कितनी खाली है 622। तो ये बर्नेला की प्रॉब्लम नहीं है, हर वर्कशॉप जहाँ मैं काम करता हूँ यहाँ पर अगर हम पोस्ट खाली पोस्ट की बात करें तो हजारों निकल आएगी, हजारों सिर्फ यहाँ पे। तो हमारी रेलवे बच्चों की तरफ देखेगी, आपकी ओर देखेगी, तो बिल्कुल टेक्नीशियन की वैकेंसी दे सकती है। तो आप, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि तैयारी करते रहें, ठीक है। तो ये एक वर्कशॉप की बात है, ऐसे कितने वर्कशॉप हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये आपको कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी, और इसलिए मैं कहता हूँ कि बस तैयारी करते रहो, ठीक है।
ये हमारा नोटिस था जिसको हमने पूरा आपको समझाने की कोशिश की। पीढ़ी हम देंगे तो क्लास वो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं उसके बारे में उसको पहले से ही दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ उसके बारे में। ठीक, ये बात कुछ और जो हम नहीं आपसे कह पाए थे वो आपसे इस वीडियो में कह ली। तो हम लोग मिलेंगे अपनी अब साइंस की क्लास के साथ, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग जितनी भी हमारी राशियां होती हैं, राशियां तो बहुत होती हैं, जो खास खास हमारी राशियां हैं उनके मात्रक यानी उनके यूनिट, उनके फार्मूला और फार्मूला यानी सूत्र, और उनका जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला बीमा फार्मूला बनाते कैसे हैं और यूनिट कैसे बनाते हैं। फार्मूला तो खैर हमें याद करना पड़ेगा, उसे फार्मूला से हम लोग यूनिट यानी मात्रक कैसे बनाते हैं, और उस फार्मूला से हम लोग जो हमारी बीमा है वो कैसे बनाते हैं, या डायमेंशनल फार्मूला हम जिसको बीमी सूत्र कहते हैं वो कैसे बनाते हैं। दूसरा, कौन सी राशि हमारी सदिश है, कौन सी अदिश है, यानी कि कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, तो ये सब चीज़ें हम लोग उस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये हमारा तिरंगा सीरीज या तिरंगा क्लास कहेंगे हम लोग इसको, हम लेकर के आने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही खास। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।